भाई हो गई लड़ाई, हो गई लड़ाई। बढ़िया 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 माल, बढ़िया माल। बाकी भीड़ देख लो, भाई साहब भीड़ देख लो, कितनी खतरनाक भीड़ है भाई। शाम का समय है और आप ये देख लो, ओए क्या बेहतरीन लग रही है अपनी जामा मस्जिद। जी हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर के साथ होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही बड़ा खास, क्योंकि आज है जुम्मे का दिन। तो भाई आज मैं आ गया हूँ आपका जामा मस्जिद पे, जो कि पूरी इंडिया के सब में बड़ी मस्जिदों में से आती है। और हम यहाँ पे आज अपना रोज़ा खोलेंगे। भाई पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। भाई बात करें आप कैसे आ सकते हो जामा मस्जिद, तो भाई मेट्रो से। तो आप आना जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे, तो ये आपको गेट नंबर एक, आप गेट नंबर एक से वहाँ निकलना और आप आ जाओगे जामा मस्जिद। यहाँ से मात्र 40-50 मीटर दूर है आपका जामा मस्जिद। और इन सभी के अलावा आप आते हो अपनी गाड़ी के साथ, आप गाड़ी के साथ आ सकते हो। यहाँ पार्किंग का भी साफ रहेगा, लेकिन मैं करूँगा आपको सजेस्ट कि आप यहाँ पे अपने ओन कार से ना आओ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है और पार्किंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। भाई इसकी एंट्री अपने जामा मस्जिद की वहाँ चलते इसके अंदर, बाकी देख लो कितनी अच्छी आके स्टेयर्स होने वाली हैं। ओ भाई साहब ये देख लो आप, यहाँ बहुत भीड़ है। अभी तो टाइम 5:00 बजे, अभी से भीड़ देख लो। यह है अपनी जामा मस्जिद। भाई ये है एक दरगाह, लोग कहते हैं कि इसके अंदर हमारे नबी के पैरों के निशान हैं। तो आप इसके अंदर आ सकते हो और अभी भाई आएंगे उसको खोलेंगे, आप तो अंदर देख सकते हो पैरों के निशान। ओ भाई जामा मस्जिद काफ़ी फेमस है, अगर आप यहाँ पे अपना आते हो रोज़ा खोलने के लिए, अगर आप मुस्लिम हो या फिर आप नॉन मुस्लिम, तब भी आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपको जामा मस्जिद है, इसको मस्जिद जहां नुमा भी कहते हैं और इसको 1656 में बनाया गया था शाहजहां के जरिए। बाकी आप ये देख लो कि जो मस्जिद है अपनी जामा मस्जिद, इसमें आपको तीन डोम है, 1, 2, 3 पीछे अपने 2 मीनार हैं, 1 मीनार 2 मीनार। अगर आपको जाना है मीनार पर तो आपको टिकट ले सकते हो, टिकट आपको शर्ट मिलता है, तो आप टिकट लेके इसके मीनार पर जा सकते हो। जो अपनी जामा मस्जिद है आपको उसमें दिख जाएगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बाकी इसमें दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कुरान की लिखी हैं आयतें। भाई अभी हुई है असर की नमाज, असर की नमाज के बाद कुछ ऐसा है माहौल यहाँ का। भाई यार यहाँ का वज़ू खाना भी है, अगर वज़ू करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा उस साइड भी एक वज़ू खाना है। भाई वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने जामा मस्जिद की वीडियो पहले बना रखी है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वो भी आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो दिख रहा है सामने ये है आपका 1600 क्लॉक, जो कि 1831 में इसको बनाया गया था आपकी जोहर की नमाज़ के लिए। बाकी आप ये देख लो इसमें लिखा है 1227 हिजरी। ये है आपका वर्ल्ड मैप। वैसे मैं आपको एक चीज़ दिखला दूँ कि जो आपका मस्जिद है जहाँ नुमा है, मतलब कि जामा मस्जिद, उसके सामने है आपका लाल किला एकदम, जो आपको शायद सामने दिख रहा होगा ये आपका पूरा लाल किला है। मतलब उस टाइम जो शाहजहाँ थे वो लाल किला से यहाँ पे आते थे जामा मस्जिद पे, तो वो इसी रूट से आते थे सीधा एकदम। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो आपको जामा मस्जिद है इस पर आपका संगमरमर यूज़ किया गया है पत्थर, मुझे दिख रहा है व्हाइट व्हाइट आपका संगमरमर है, मुझे दिख रहा है आपको रेड रेड ये है आपका लाल बुलबो पत्थर, मतलब लाल बुलबो पत्थर आपको संगमरमर। ये दो ऐसे पत्थर हैं जो कि अक्सर मुगलों के आर्किटेक्चर में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप देखोगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तब भी आपको इस टाइप के पत्थर दिखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप आते हो जामा मस्जिद और आपको रोज़ा खोलना है, आपके पास इफ्तार नहीं है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इफ्तार भी करवाते हैं, मतलब यहाँ की जो कमेटी है उसके ज़रिए। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप अपने साथ अपना इफ्तार लेकर आओ। भाई सामने है आपका मीना बाज़ार। भाई बाकी हम यहाँ पर सामान ले सकते हैं रोज़ा वगैरह खरीदने के लिए। भाई अभी हम आ गए हैं, बाहर निकल गए हैं, थोड़ा देखते हैं अब क्या मिलता है। हमारे अली भाई भी हैं, गजब बेइज्जती है। बाकी भाई सामान यहाँ पे काफ़ी सारा मिलता है, मीना बाजार है, या कुछ भी आप ले सकते हो। भाई बाकी सामान देख लो, सारा सामान मिल रहा है यहाँ पे, खाने पीने का जो भी है फ्राई। भाई बाकी यहाँ का देख लो कैसे नज़ारे हैं आपके, पुराने दिल्ली है ये अल जवाहर है, जहाँ पे आता राहुल गांधी खाना खाने के लिए। हाँ वो भी उस्ताद जैन मैंने लूटा। भाई बाकी तो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, चाहे फ्राई खाना हो या फिर आपको कुछ चिली फ्रूट लेना हो, कुछ भी। गरम है, गरम है, गरम है। मैं ग्रेवी बनवा दूँ भाई, भाई डाल दूँ ग्रेवी, ग्रेवी बनवा दूँ। भाई हमने 30 तारीख का सामान ले लिया है, हमारे अली भाई फिर कर रहे हैं मेहनत, हम चलेंगे ऊपर और अपना रोज़ा खोलेंगे। बाकी भीड़ देख लो, भाई साहब भीड़ देख लो कितनी खतरनाक भीड़ है। जरा देख लो सामने, यहाँ पे कुछ मिल रहा है फ्री में, यहाँ पे ठेलियाँ फ्री में मिल रही हैं। भाई देख लो लुटिया 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 माल, लुटिया माल, लुटिया माल, लुटिया माल, भाई लुटिया माल, भाई आराम से आराम से आराम से।
भाई ऐसा होता है फ्री में ऐसे बढ़ता है यहाँ पे। अगर आप इधर आते हो और आपको फ्री में चाहिए तो आपको इस टाइप की जंग लड़नी पड़ेगी, फिर आपको फ्री में सब सामान मिल जाएगा। भाई हो गई लड़ाई। बढ़ गया माल। भाई बढ़ गया माल। भाई पीछे हो गई लड़ाई, हो गई। तभी मैंने आपसे बोला था कि अगर आप यहाँ पे आती हो तो अपने साथ लेके आओ इफ्तार का सामान। यहाँ पे ये वजू खाना है, आप वजू कर सकते हो आराम से। एक यहाँ पर है और एक ही उस साइड जो मैंने आपको दिखलाया था अभी। भाई बाकी यहाँ पे भीड़ देख लो कितनी खतरनाक भीड़ होने वाली है, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, चारों तरफ अपने लेंगे लोग ही लोग। और अभी आज जो पहला जुम्मा है रमज़ान का, तब इतनी भीड़ है। जब होगा आखिरी जुम्मा, जब भी डे निकलेंगे तो कितनी यहाँ पर भीड़ होने वाली है। भाई साहब ये है, आप भीड़ देख लो कितनी सारी है, बहुत सारी भीड़ है। रोज़ा खुलने में है मात्र 10 मिनट। भाई बाकी यहाँ पे लोग सारे बैठ चुके हैं, बस 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट के बाद यहाँ पे अब इफ्तार खुलने वाला है। भाई ये अपनी इफ्तारी है और ये सामान है, और अभी रोज़ा खुल चुका है। अभी आपको आई थी आवाज़, जब आवाज़ आती है बम फूटता है उसके बाद रोज़ा खुलता है। रोज़ा खुल चुका है मतलब अभी अजान होगी। अब भाई अपना इफ्तार हो चुका है, अभी होगी यहाँ पर मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ के बाद देखते हैं हम क्या करें। भाई शाम का समय है और आप ये देख लो, ओए होए 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 क्या बेहतरीन लग रही है अपनी जामा मस्जिद। जमात लोग खड़े हैं यहाँ पे मगरिब की नमाज़ के लिए। भाई मगरिब की नमाज़ हो चुकी है और मैं आपको बता दूँ कि इस मस्जिद के अंदर 25,000 से ज़्यादा लोग एक वक्त में नमाज़ को अदा कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके अलावा मैंने इस मस्जिद के बारे में पूरी वीडियो बना रखी है अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर, इसके इतिहास, इसके मीनार पे अगर आपको चढ़ना है, इसके मीनार पे आप कैसे चढ़ सकते हो, उसको कितने का टिकट लगता है, क्या सब प्रोसेस है, पूरी ए टू जेड मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है। इसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। भाई साहब देख लो कितनी आपकी बेहतरीन आ रही लोकेशन। अपनी यहाँ मस्जिद रमज़ान का कितनी दिखी है खूबसूरत। तो भाई सामने देख लो, अभी मगरिब की नमाज़ हो गई है, हम नीचे उतर रहे हैं और सामने देख लो कितनी भीड़ है। भाई आप ये देख लो मगरिब की नमाज़ हो गई है, अब सब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, मार सकते हो वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद।